So, today's our topic about pest of field crops. So, pest of field crops का सबसे पहले मीनिंग क्या है कि फील्ड क्रॉप्स में क्या क्या आएगा. फील्ड क्रॉप्स है जो उसमें आपके जितने भी फील्ड में क्रॉप्स होते हैं, वो फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वो वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सभी के जो है कौन कौन से जो फील्ड क्रॉप के पेस्ट होते हैं, सबसे पहले इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होगा. टाइप्स ऑफ कंट्रोल, सबसे फर्स्ट कंट्रोल इसका होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ पैरासाइट एंड प्रीडेटर. बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए सबसे पहले हमें वो स्पीशीज और वो प्रीडेटर्स, बायोलॉजिकल पता है ना कि किसी कोई एक इंसेक्ट अगर दूसरे के एग्स को एग्स के ऊपर फीड कर रहा है, या किसी इंसेक्ट के ऊपर ही फीड कर रहा है, तो वो जो इंसेक्ट है जो दूसरे के एग्स के ऊपर फीड कर रहा है, वो हमें एक्ट करेगा बायोलॉजिकल एजेंट. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ पैरासाइट एंड प्रीडेटर. ठीक है, ऑगमेंटेशन ऑफ पैरासाइट एंड प्रीडेटर, माइक्रोबियल कंट्रोल, पैथोजन. मींस इसमें जो आएगा ये क्या है, प्रीडेटर बेस्ड होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल. लेकिन अगर इसका हम ड्रॉबैक देखें तो ड्रॉबैक इसका क्या होगा, जैसे जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो कोई ऐसे नहीं है कि हम कोई केमिकल बाय कर रहे हैं. ठीक है, उसमें कोई केमिकल नहीं है. सो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, वो कॉस्टली होगा. ठीक है, और वो वेदर के ऊपर डिपेंड होगा. ऐसे नहीं होगा कि अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट यूज कर रहे हैं कि वो सर्वाइव करेगा वहां पे या नहीं करेगा. ठीक है, तो इसकी जो मेन कंडीशन है, इसका जो ड्रॉबैक है, ये कॉस्टली होगा एंड ये वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा. बायो कंट्रोल एजेंट मेनली कौन से हैं, लेडी बर्ड बीटल जो आपने सुनी हुई है. ठीक है, इसका लार्वा, अडल्ट एंड पैथोजेंस. टाइप्स ऑफ कंट्रोल, सेकंड कंट्रोल क्या होता है, सेकंड कंट्रोल आएगा मैकेनिकल कंट्रोल, जिसमें हम बोलते हैं कि हम ट्रैपिंग वगैरह यूज कर लें, हैंड पिकिंग मेथड्स यूज कर लें. ठीक है, और स्क्रीन्स बैरियर्स यूज कर लें. इसका ड्रॉबैक क्या होगा, इसमें लेबर कंज्यूमिंग होगी. अगर हम हाथ से किसी इंसेक्ट को पिक कर रहे हैं तो लेबर कंज्यूम करेंगे, और उसके बाद ये लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा. ये तो बायोलॉजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, ये तो पहले भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ रहे हो आप, तो इसीलिए मैंने इस पे कम फोकस किया है. नेक्स्ट आएगा कल्चरल कंट्रोल. कल्चरल कंट्रोल में क्या आता है कि सबसे जो फर्स्ट कंट्रोल होता है कल्चरल कंट्रोल का, उसमें क्या है कि क्रॉप की रोटेशन होनी चाहिए. ठीक है, क्रॉप की रोटेशन क्यों करते हैं, क्रॉप की रोटेशन जैसे कोई फर्स्ट क्रॉप लगी हुई है, अगर उस क्रॉप में किसी इंसेक्ट ने एग ले किए हुए हैं, तो अगर हम नेक्स्ट क्रॉप चेंज कर देंगे तो वो क्या है, वो वहां पे ही उनकी जो लाइफ साइकिल है वहां पे स्टॉप हो जाएगा. अगर मान लो कुछ ऐसा सीजन है जिसमें उनकी पॉपुलेशन या उनकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है एक टाइम पे, तो वो हम क्रॉप को ही चेंज कर देते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे होता है कि कुछ इंसेक्ट्स के लिए उनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और उनकी जो हॉस्ट क्रॉप होती है, तो उसके लिए क्या है, वो अगर हम क्रॉप को रोटेट कर देंगे तो मेनली कल्चरल कंट्रोल का क्रॉप रोटेशन होता है. ठीक है, उसके बाद ट्रैपिंग, टिलियेज, क्लीन कल्चर, टाइमिंग उसकी प्लांटेशन, प्लांटिंग की एंड हार्वेस्टिंग की. और टू मेन होते हैं कल्चरल कंट्रोल में. फर्स्ट आ जाता है क्रॉप रोटेशन, एंड इसमें सेकंड आ जाता है कि रेजिस्टेंट वराइटीज. रेजिस्टेंट वराइटीज वो वराइटीज होती हैं जो रेजिस्ट कर जाएं, जिसके वो उसके ऊपर जो इंसेक्ट है वो हार्म ना कर पाए, मतलब वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट वराइटीज हों. केमिकल कंट्रोल क्या है, रिडक्शन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन और प्रिवेंशन ऑफ इंसेक्ट इंजरी बाय दी यूज ऑफ मटेरियल टू. ये सभी को हमें पता है कि जो केमिकल कंट्रोल है, लेकिन इसके लिए क्या है कि डेंजरस होता है. ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को सभी को पता है कि अगर हम केमिकल यूज कर रहे हैं तो जो हमारी बेनिफिशियल क्रॉप्स हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी जो केमिकल है उसका इफेक्ट हो सकता है. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम सभी टेक्निक्स को कॉमनली यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है
मेजर फील्ड क्रॉप पेस्ट, मेजर फील्ड क्रॉप पेस्ट में क्या आएगा? पेस्ट ऑफ कॉर्न, आपने फोकस ये पेस्ट के ऊपर करना है, पेस्ट ऑफ कॉर्न। ये कॉर्न भी तो एक क्रॉप है, ठीक है, तो पेस्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉर्न के कौन कौन से पेस्ट है। तो जो सबसे फर्स्ट पेस्ट आएगा वो है वेस्टर्न कॉर्न रूटवॉर्म, नॉर्दर्न कॉर्न रूटवॉर्म, साउदर्न कॉर्न रूटवॉर्म एंड स्पाइडर। ये आपको नीचे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, जस्ट वेट। ये वर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चलो लास्ट में लिखा है, यहाँ पे ग्रास लिखा हुआ है, यहाँ पे बैंक्स का कुछ लिखा हुआ है, बैंक्स ग्रास लिखा है मैं, बैंक्स ग्रास, ओके। तो स्पाइडर, बैंक्स ग्रास, माइट्स, ओके। वेस्टर्न कॉर्न रूट वॉर्म, ये कॉर्न का सबसे पहला इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है, ये इसका एडल्ट है, ये इसकी लार्वल स्टेज है, ठीक है। इसका जो बीटल है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, डायब्रोटिका विर्जीफेरा, डायब्रोटिका विर्जीफेरा बीटल, डायब्रोटिका विर्जीफेरा। मींस जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपके हैं फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, और कोई भी फील्ड क्रॉप ले सकते हैं। लेकिन आप अगर उसको सबसे पहले पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आप लोगों का, उसका साइंटिफिक नेम करना है, उसका लाइफ साइकिल करना है, ठीक है। और साइंटिफिक नेम सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अभी देखो वेस्टर्न कॉर्न, नॉर्दर्न कॉर्न, साउदर्न कॉर्न है, मीन्स कि इसके नेम से क्लियर है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका लाइफ साइकिल अभी देखो, कुछ चीज़ें आपको PPTs में पूरी कम्प्लीटली नहीं आती जितनी वो PDF में डिटेल में होती है, लेकिन इसमें क्या है, आपको पता चल रहा है कि अगर इसकी लार्वल स्टेज है, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, मीन्स इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल कौन सा हो सकता है, उसमें जो इनकम्प्लीट होता है उसमें एग, निम्फ, अडल्ट होता है, इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि जो वेस्टर्न कॉर्न रूट वॉर्म है, अगर इसके मैंने डायरेक्टली पॉइंट्स लिखने हो, ठीक है, कि इसके करैक्टर कौन से हैं, अगर क्वेश्चन आए कि वेस्टर्न कॉर्न रूट वॉर्म के करैक्टर कौन से, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये बीटल्स में आती है, पॉलियोपटेरा होगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी जो जितनी भी बीटल्स होती है उसकी जो बाहरली शेल होती है, बाहरली कवरिंग होती है, वो एज कम्पेयर अदर इंसेक्ट से हार्ड होती है, ठीक है। फिर आप मेन फैक्टर्स इसके लिख सकते हो कि बॉडी जो है 3 pairs में है, वो सब लिखने के बाद जो इसका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा, ठीक है। अभी इसका लार्वा है, लार्वा ऑलमोस्ट सारे स्लगिश लार्वा होते हैं, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो कि व्हाइटिश कलर का लार्वा है, पॉइंटेड है बोथ एंड से इसका लार्वा। तो ये सारे इसके मतलब इसका स्ट्रक्चर देख के ही आपके माइंड में इसके जो पॉइंट्स है आने चाहिए। सो मेनली ये रूट वॉर्म है, वेस्टर्न कॉर्न रूट वॉर्म। तो रूट वॉर्म है तो क्या करेगा जी, द लार्वा अटैक द रूट्स, इसके नेम से ही क्लियर है कि जो डायब्रोटिका विर्जिनेरिया बीटल है, ये है द लार्वा अटैक द रूट कॉजिंग द प्लांट टू फॉल ओवर एंड बिकम गूजनेक्ट, द अडल्ट फीड ऑन द सिल्क एंड इट एट टाइम्स बिकम सो न्यूमरस दैट पॉलिनेशन कैन नॉट अकर ओवर विंटर एज एग्स इन द सॉइल 1 generation पर ईयर। मीन्स कि अगर हम इसके लार्वे की बात करें तो आपको एक पॉइंट उसी टाइम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो इसका लार्वल स्टेज है वो इसके रूट्स के ऊपर अटैक करती है। और इसके और पॉइंट्स के लिए, जितने भी इसके और पॉइंट्स होंगे उसके लिए मैं आपको जब PDF शेयर करूंगी उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स और दिए होंगे, आप वहां से भी कर सकते हो। सो जितने भी लार्वल स्टेज अगर किसी क्रॉप को अटैक करेंगे तो उसके लिए जो फर्स्ट कंट्रोल मेजर होता है वो मेनली जो कंट्रोल मेजर आएगा वो
क्रॉप रोटेशन ही होगा। ये है इसकी रूट्स, वेस्टर्न रूट कॉर्न रूट वॉर्म क्या है, इसकी रूट के ऊपर करेगा। सो अगर रूट्स के ऊपर अटैक है तो उसकी क्रॉप की रोटेशन होनी चाहिए। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोल इज बाय द क्रॉप रोटेशन। कॉर्न ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर ऑन हैवी सॉयल इन इज द मोस्ट सीरियसली डैमेज। नेक्स्ट पेस्टिसाइड डू नॉट यूज व्हेन रोटेटिंग क्रॉप्स। If necessarily apply granules in a 6 to 7 inch, ठीक है, do not apply sprayer for adults. तो main जो इसका chemical main इसका जो control रहेगा वो इसका control है crop rotation। और हम अगर western हम बात कर रहे हैं corn की, corn का सबसे पहले आपके mind में आना चाहिए कि कौन कौन से pest है। southern corn pest है, western corn pest है, mites है। तो वेस्टर्न कॉर्न की हम बात कर रहे हैं। वेस्टर्न कॉर्न क्या है, इसके जो लार्वल स्टेज है वो इसकी रूट्स के ऊपर रूट्स को डैमेज करती है। और जो रूट्स है उसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मेनली क्या है, क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है नॉर्दर्न कॉर्न रूट वॉर्म। तो ये भी बीटल ही होगी, ठीक है, ये बीटल ही है, कॉलियोपटेरा में ही आएगी। इसका आपको ऑर्डर उसी टाइम पता चल जाना चाहिए। और ये क्या है, डायब्रोटिका बारबेरी। डाई अभी ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि नेम द पेस्ट ऑफ द कॉर्न्स विद देयर साइंटिफिक नेम। तो आप सारे पेस्ट लिखोगे, क्वेश्चन 5 मार्क्स में ऐसा भी बन सकता है कि नेम द पेस्ट ऑफ द कॉर्न विद देयर साइंटिफिक नेम एंड वन कैरेक्टर ऑफ ईच पेस्ट। तो आप हर एक पेस्ट का साथ में एक एक कैरेक्टर लिखोगे, उनके नेम लिखोगे और उनके साइंटिफिक नेम लिखोगे। ये है डायब्रोटिका बारबेरी। सो 1 मार्क्स के ऊपर पूरा डिपेंड इसका जो साइंटिफिक नेम ही करता है, ठीक है। तो ये क्या है, येलोइश ग्रीन, 3 to 16 to 1 to 4 inch, 5 to 6 mm लॉन्ग, स्लाइटली स्मॉलर देन द वेस्टर्न एंड साउदर्न कॉर्न रूट वॉर्म। मीन्स अगर हम नॉर्दर्न कॉर्न रूट वॉर्म की बात करें तो ये जो रूट वॉर्म है ये वेस्टर्न एंड साउदर्न कॉर्न जो रूट वॉर्म है उनसे इसका जो साइज है स्मॉलर है। देयर इज नो मार्किंग ऑन द एलाइट्रा। एलाइट्रा विंग्स कौन से होते हैं, जितनी भी बीटल्स होती हैं सभी में एलाइट्रा विंग्स प्रेजेंट होते हैं। एलाइट्रा विंग्स क्या प्रेजेंट क्या होते हैं, एक तो इसके ऊपर ये आपको कवरिंग दिख रही है जो हार्ड कवरिंग है, ठीक है, हार्ड शेल की कवरिंग है। जब ये अपने विंग्स को ओपन करती है इसके नीचे एक स्मॉल विंग्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एलाइट्रा विंग्स बोलते हैं। सो इसमें क्या है, देयर इज नो मार्किंग ऑन द एलाइट्रा विंग। मींस इसमें कोई मार्किंग नहीं है एलाइट्रा विंग्स में। अडल्ट्स आर फाउंड ऑन द सिल्क ऑफ कॉर्न। सिल्क ऑफ कॉर्न समझते हो ना, लाइक द वेस्टर्न कॉर्न रूट वॉर्म दिस स्पीशीज ओवर विंटर एज एग्स विच आर डिपॉजिट इन द कॉर्न फील्ड। द अडल्ट्स are common on goldwood flowers. Students, एक मिनट। नेक्स्ट है साउदर्न कॉर्न रूट वॉर्म। ये है डायब्रोटिका अनडेसिम कैटिका बीटल। सो ये जो बीटल है ये है पेल ग्रीनिश येलो बीटल विथ 6 black spots ऑन ईच विंग कवर। देखो अभी सभी का डिफरेंस आ गया। अगर मान लो 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आए कि आपस में साउदर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न का आप डिफरेंस लिखो को लिखो तो दो दो तीन तीन पॉइंट है। सबसे पहले इनका डिफरेंस है साइंटिफिक नेम में, ठीक है, फिर इनका फर्स्ट वाले का लार्वल स्टेज, स्लगिश लार्वल स्टेज थी वो देखी थी, फिर इनका जो अडल्ट है उनमें डिफरेंस है। अभी इसका जो अडल्ट है पेल ग्रीनिश येलो बीटल विद 6 black spots ऑन ईच विंग कवर, स्लाइटली बिगर देन वेस्टर्न कॉर्न रूटवॉर्म एंड नॉर्दर्न कॉर्न रूटवॉर्म। मींस के ये जो रूट साउदर्न है रूटवॉर्म ये दोनों से ही बड़ा होगा, ठीक है। अकर्स कॉमनली ऑन द कुकम्बर मेलन वाइम्स कॉर्न सिल्क वीड्स एंड इन द एल्फाइला फीड्स।
overwinter as adults may have two or more annual generation. So ये इसकी डैमेज क्या होगी, the larval damage roots of the corn and winter rye and adult eat hole in the melon foliage. Adults spread bacterial wilt to cucumber. So control इसका क्या है, similar to VRC, W क्या है western corn rootworm का. लास्ट वन है स्पाइडर माइट्स. सो माइट्स अभी इसमें डिफरेंस होगी, जो माइट्स है वो आपकी बीटल्स में नहीं आएगी. ठीक है, इसका कौन सा माइट्स का कौन सा होता है ऑर्डर? आर्किनिड्स में आते हैं, क्योंकि ये टिक्स वगैरह होते हैं ना, स्पाइडर की फॉर्म में होते हैं. जितने भी स्पाइडर्स होते हैं वो सारे आर्किनिड फैमिली में होते हैं. ठीक है, तो जितनी भी माइट्स होती हैं वो आर्किनिड फॉर्म की माइट्स होती हैं. ठीक है, इसका जो क्या है, ओवरविंटर एडल्ट इन डेब्रस सेवरल जनरेशन पर ईयर. तो इसका डैमेज क्या है, ये करता है पिर्स प्लांट सेल एंड सक आउट द लिक्विड कंटेंट. मीन्स के जो इसका डैमेज रहेगा वो दूसरों, जितने भी मोस्टली जितने भी आर्किड्स होते हैं, जो आर्किड फैमिली में होते हैं, आपको पहले उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो फैमिली होती है, उससे ही पता चल जाता है कि इसका जो करैक्टर है ये क्रॉप्स के ऊपर डैमेज कैसे करेगा. ठीक है, तो मेनली ये क्या है, सक आउट करते हैं लिक्विड कंटेंट को. ठीक है, लीव्स वेल क्लोरोटिक स्पॉट्स एंड मे डाई बैक, स्टार्ट फीडिंग ऑन द लोअर लीव्स एंड मूव अपवर्ड. हॉट ड्राई कंडीशन आर फेवरेबल कंडीशन. अगर हम इनकी स्पाइडर माइट्स की अगर हम फेवरेबल कंडीशंस की बात करें, तो इनकी जो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस है वो इसकी फेवरेबल कंडीशंस होगी. ये इसके आपने ये एक ही करना था, इसमें आप कॉर्न का करोगे. ठीक है, कॉर्न के बाद हम नेक्स्ट जो है मैंगो का करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. फिर पेस्ट ऑफ पोटैटो, जैसे ये वेजिटेबल है तो वेजिटेबल में हम पेस्ट ऑफ पोटैटोस भी कर सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम में करेंगे हम लोग.